भाई विजिबिलिटी ना बिल्कुल जीरो है भाई। ज्यादा तेज नहीं दीपेश भाई, ज्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे। पोखरा ये देखो, मीटर वीटर का हाल देखो, ये देखो ठंडा देखो। कंडीशन में हमें होटल पे जाने देंगे नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेटोड़ा, मुझे तैयार होना है और निकलना है पोखरा के लिए। मैंने सोचा कि पोखरा जाऊंगा, उसके बाद वहीं पे जाके ना रेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से पोखरा का जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 5 या 6 घंटा दिखा रहा है गूगल मैप। इस तरह का मेरे को कल रात को रूम मिला और ये अभी बैग वैग सब लेके मेरे को जाना है, नीचे बाइक पे डालना है। एक ही दिन में ना बाइक का क्या हाल हो रखा भाई, पूरा देखो कितना मिट्टी। एडवेंचर्स अगर राइड करने हो ना तो आप लोग नेपाल आओ। सबसे पहले फ्यूल अप करना है, पहले गाड़ी को फ्यूल अप कराएंगे, फिर आदमी को भी फ्यूल अप होना है भाई। आज के दिन का राइड को शुरुआत करते प्रभु का नाम लेते। और कल रात को तो हेटोड़ा में ना पूरा अंधेरा हो गया भाई, इतना चक्कर काटा ना कल मैंने लाइफ में कभी नहीं काटा। अरे निकलते पेट्रोल पंप मिल गया, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे से भरवाएंगे भाई। फुल गाड़ दिनु ना, रोड में ही मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछा, वो बोल रहे कि मिलेगा लेकिन आगे 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर तक तो मैं कहाँ भाई पहुंच पाऊंगा, मुझे चाय पीना है, बिना चाय का तो मैं भाई राइड कर ही नहीं पाऊंगा। एक दुकान मिल गया मुझे, पूछते हैं। चिया हुन्छ है? हजुर। चलो मिल गया भाई, चाय पी लेते हैं। जैसे पोखरा पहुंचेंगे ना, अब हम लोग को ये वाह वाला शब्द ना ज़्यादातर यूज़ करना होगा, क्योंकि अब जो है ना, मतलब जितना मैं आगे की ओर बढ़ूंगा ना, व्यू उतना ही मस्त होता हुआ जाएगा। बस ये जो धुंधला धुंधला हो रखा ना, ये बस ख़त्म हो जाए ना तो भाई क्या गजब का व्यू देखने को मिलता हम लोगों को। अभी क्योंकि ना इतना धूप खिला नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में अभी हम लोग आए। साल में तो भाई एडवेंचर्स के लिए जाना जाता है, तो क्यों ना हम लोग कुछ तूफानी करें यहाँ पे। चलो भाई, बाप रे बाप, रोड तो यहाँ जाने का डेंजरस है भाई, जा तो रहे पता नहीं चढ़ाएंगे कैसे। ओह माय गॉड, सस्पेंशन ब्रिज, इतना लंबा ब्रिज में बाइक चला रहा है, लेकिन ये बहुत हैवी वाला है भाई। अपने इंडिया में इस टाइप का हैवी नहीं देखा, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हिलता है इंडिया में ना। और भाई ने ये भी कर दिया भाई। भाई चक्कर आ रहा है, ये देखो मैं बीच से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा नदी। अभी हम लोग उधर से आए, वो लोग उधर है, अभी और आगे तक जाएंगे। अब आगे क्या मतलब, हम लोग को ये तो एंड करना ही होगा, क्योंकि बाइक तो कहीं मुड़ने वाली है नहीं यहाँ पे। ओह माय गॉड, व्हाट अ एडवेंचरस भाई। कुछ ना कुछ तो करना बनता है ना भाई, अब ऐसे पोखरा मुंह उठा के तो नहीं जा सकते ना। कल को ऊपर वाला जवाब पूछेगा, तुमने दुनिया में क्या करके आया नीचे, तो भाई कुछ नहीं किया। हिलना चाहिए था यार, ये हिल नहीं रहा है बस। ज़्यादा तेज नहीं दीपेश भाई, ज़्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे प्यार से। वाओ, ओ माय, आते वक्त एक फ़ोटो लेंगे यहाँ पे ना अपना बाइक का, और कोई अगर मिलता है तो उनसे फ़ोटो खिंचवाएंगे अपना। फाइनली बीच तो हो गया कम्प्लीट, लेकिन जाना तो पड़ेगा हम लोग को नीचे ही, क्योंकि बाइक यहाँ से मुड़ने वाला है नहीं। चलो धीरे 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 धीरे, चलो अब चलते हैं हम लोग। अब क्या चितवन आएगा क्या आगे, ऐसे मेरे को लग रहा है। मैं हूँ अभी रामनगर चितवन, और मैंने कुछ ना यहाँ पे चाओ चाओ इसका आवाज़ देखो, ये देखो हाईवे पे ना यही प्रॉब्लम है, कुछ बात करने को देते नहीं है, इतना ज्यादा साउंड आता है ना। तो अभी यहाँ पे ना कुछ चाओ चाओ बनाने दिया, चाओ चाओ खाएंगे, मजा आएगा भाई। जो भी हो बहुत टेस्टी बना है। अब मेरे को लगता नहीं मैं दिन को ना लंच करूँगा, क्योंकि बहुत हैवी हो गया। अब शायद मैं लंच नहीं करूँगा, सीधा 1 घंटा ना राइड करना है यहाँ से, 3 घंटा का अभी और राइड दिखा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटा तो बिना रुके। पोखरा पोखरा सिलीगुड़ी।
थैंक यू। मैंने ना कैमरा ऑफ किया था, पुलिस वाले को देखे तुरंत ऑन कर लिया, क्या पता कुछ हो जाए। मोटो ब्लॉगिंग का यही तो फ़ायदा है भाई, है ना। थंबनेल में डाल सकते हैं उनको। माइंड मत करना सर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, पुलिस वाला को चिपका दो थंबनेल पे। अच्छा हम लोग मुंगलिंग पहुंच गए। ये वाला मोड़ से ना अगर आप राइट जाते हो तो काठमांडू के लिए जाओगे, हम लोग को जाना है लेफ्ट। लेफ्ट जाएंगे पोखरा के लिए। वो वाला ब्रिज पे तो जाने देंगे नहीं क्या? मस्त वाला आ रहा है भाई, वो वाला ब्रिज अच्छा लग रहा है देखने के लिए। फिलहाल हम लोग चलेंगे अब पोखरा। यहाँ से कितना होगा पोखरा का डिस्टेंस? कहीं पे मेरे को ना डिस्टेंस लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कितने सारे गाड़ी आ रहे भाई, अभी और आ रहे हैं। अबे पोखरा जाना जाता है सुंदरता के लिए, जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए जाना जाता है। देखो भाई साहब, ये पूरा रोड का ना यहाँ पे ना काम चल रहा है, इसलिए धूल ही धूल। कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा भाई, कैसे ओवरटेक करेंगे? बाप रे बाप भाई, विजिबिलिटी ना बिल्कुल जीरो है भाई। नेपाल की सुंदरता देखने आया था और ये मैं कहाँ फंस गया यार, क्या बोलूँ। अब ख़त्म होगा बोल के मैं चला जा रहा हूँ। अब तो हेलमेट से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कैमरा से कुछ नज़र आ रहा है। रेनकोट लगा के बाइक चला रहे, मैंने जो देखा ना कुछ नेपाल के राइडर अभी रेनकोट लगा के राइड कर रहे हैं। वो लोग 100% आई क्यू यूज़ किया है, पता है। पीला पीला नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये देखो पूरा प्लास्टिक लगा रखा है भाई। ऐसे में अगर धूल मिट्टी के साथ जाऊंगा तो क्या होटल वाले मुझे रूम देंगे? भाई इतना मतलब धूल मिट्टी में आज मैंने राइड किया, इतना कभी मैंने किया ही नहीं था अपने लाइफ में। और ये देखो क्या हाल हो रखा अपना गाड़ी का, ये बैक, ये देखो मीटर वीटर का हाल देखो, ये देखो धंधा देखो। पहले जाऊंगा होटल पे, नहाऊंगा फ्रेश होके, उसके बाद खाने के लिए सोचूंगा, क्योंकि अभी हर जगह मिट्टी मिट्टी धूल ही धूल हो रखा है। मेरे हाथ का हाल देखो क्या हो गया। और आओ नेपाल राइड पे और एडवेंचर करना है, मुस्तांग राइड पे जाना है भाई। ये लो भाई हाथ ऐसा लगा कुत्ता को दूंगा ना तब भी मेरा हाथ नहीं खाएगा, इतना मैला हो रखा है। अच्छा, जब भी ना पोखरा आओगे तो आपको होटल के लिए ना यहाँ पे प्रॉब्लम होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से सीधा जाओगे ना तो लेफ्ट में आपको फेवा ताल लेक, जो कि पोखरा लेक के लिए जाना जाता है, तो इतने सारे आपको यहाँ पे होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे ना। 500 रुपये नेपाली से लेकर आप मैक्सिमम जितना भी जा सकते हो, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। मेरा जो सब्सक्राइबर है उसने बोला है कि उसका होटल है, तो उसी का भी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। चलो भाई, पूरा मिट्टी मिट्टी देखो ना हाल, अभी साफ किया है। विशाल भाई मुझे मिल गए और वो सीधा मुझे ना होटल पे लेके आ गए। अभी कुछ खाने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और कल सुबह मैं निकलूंगा यहाँ से मुस्तांग के लिए। और सुबह भाई बोल रहा कि परमिट के लिए वो भी मेरे साथ में जाएगा। आई होप आज वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।